फ्रेंड, आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर बजाज का अगर ईएमआई अगर आपका बाउंस हो गया हो तो उसको कैसे हम रीपेमेंट कर सकते हैं। बजाज का अगर एक भी ईएमआई आपका बाउंस होता है तो होता है कि आपका कार्ड टेम्प्रोरी करेंटली ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। उसको करने उसके बाद जब पेमेंट आप क्लियर करोगे उसके बाद ही आपका अनब्लॉक हो पाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हमारा दो ईएमआई चलता है, जिसमें से एक 1959 रुपये वाला जो पेमेंट हो चुका है, लेकिन वही 1080 वाला अनसक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को पूरा फुल प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे आप उसको पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो को देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि योर कार्ड इज करेंटली ब्लॉक्ड लिखा है, ठीक है ना। इसमें हम सी डिटेल्स करते हैं तो यहाँ पे देखिए योर ईएमआई नेटवर्क कार्ड इज ब्लॉक्ड ड्यू टू नॉन रिसीव्ड ईएमआई, ठीक है, वन और मोर ऑफ योर लोन विथ अस, ठीक है। इसको करना क्या है, यहाँ पे अनलॉक प्रोसेस पे हम क्लिक करेंगे ना तो उसके बाद से कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा ना। तो हम करेंगे इस पे क्लिक करेंगे और इस पे नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो नाउ दिया है ना, यहाँ पे क्लिक हियर टू पे, तब इस पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आएंगे बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पे मेक ए पेमेंट दिया है, मेक ए पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एडवांस पेमेंट, ठीक है। एडवांस पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका 5 EMI मेरा बचा हुआ है और इसका जो है 2 EMI बचा हुआ है, ठीक है। पेमेंट करना है अगर दोनों का, किसी का भी, तो कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे इसका हमको एडवांस पेमेंट करना है तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद इस जनवरी का अगर करना है तो फिर जनवरी पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे जनवरी सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ईमेल आईडी आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जो है प्रोसीड टू पेमेंट का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद से देख सकते हैं कुछ UPI वगैरह गूगल पे वगैरह आ गया है इस टाइप का। तो इसको हम पे करने के लिए यहाँ पे जो UPI का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से UPI जो है अगर नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेंगे, डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। UPI है और गूगल पे है तो UPI मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद से पे नाउ पे क्लिक कर दो। उसके बाद अपना यहाँ पे UPI आईडी डाल रहा है, मैं अपना UPI आईडी डाल दे रहा हूँ वहाँ पे। UPI डालने के बाद मेक ए पेमेंट पे क्लिक करेंगे हम। उसके बाद होगा कि आपके पास एक आपके जो भी आप UPI पे डाले होंगे वहाँ पे आपके पास एक मैसेज गया होगा बिल डेस्क का। जैसे ये देख सकते हैं इस टाइप का कुछ मैसेज आया है। उसके बाद यहाँ पे जो बिल है पे पे हम क्लिक करेंगे। पे पे क्लिक करने के बाद अपना अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करके उसके बाद से यहाँ पे क्लिक करके अपना UPI पिन यहाँ पे जैसे यहाँ पे इनपुट करेंगे यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। ये डन हो गया। फिर मैं बैक जा रहा हूँ अपने अकाउंट पे। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। योर पेमेंट डिटेल्स सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन कन्फर्म, ठीक है। ट्रांजेक्शन नंबर भी मुझे मिल गया है। एडवांस पेमेंट ये मेरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड, होता क्या है अब यहाँ से कि आप जब भी आप पेमेंट करेंगे ना तो जो भी 2 तारीख का जो होगा, 2 तारीख के बाद ही वो 2 तारीख से लेके और 7 तारीख के बीच में वो जो पेमेंट होता है वो आपका एक्टिवेट होता है, ठीक है ना। ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा वो, अभी तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया है लेकिन अपडेट होने में आपको 1 हफ्ता टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि 2 तारीख को आपका पेमेंट कटने वाला है, 2 तारीख को आपका पेमेंट नहीं कटेगा, वो आपका 5 से 7 तारीख के बीच में वो अपडेट हो जाएगा कि हाँ आपने EMI क्लियर कर दिया है। ऐसा नहीं यहाँ से अगर शो नहीं करता उसी वक्त आपको यहाँ से शो नहीं करेगा कि आपका EMI क्लियर हो चुका है, ठीक है। आपका 1 हफ्ता के बाद 2 तारीख के बाद 2 से 5 के बीच में आपका जैसे पेमेंट होने के बाद ना 10 दिन कम से कम लगता है, EMI बहुत स्लो है इसका बजाज का, 10 दिन कम से कम लगता है आपको अपडेट होने के अंदर, ठीक है ना। तो हो सकता है 10 तारीख तक आपका बैलेंस अपडेट हो जाए कि हाँ कि आपका आपने एडवांस पेमेंट कर दिया है, ठीक है, तब यहाँ से शो करने लगेगा। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।